है, ट्रेन निकल चुकी है, अब निकल रहे हैं लोग, तो कभी भी यहाँ पे हादसा हो सकता है, वो काफी सारे हादसे हो चुके हैं। बोलिए सर, बोलिए। जो है ये देखो मंसा देवी का जो है मेन मार्ग बाजार से लगता गली है, देखो एक गली। और ये यहाँ से लोग ये पहले गली हुआ करती थी, ये अब देख रहे हैं बेस बना हुआ है पुल का, जो ये 100 साल पुरानी गली है, ये 100 साल पुराना पुल था पहले, ये टूट चुका है। आप देख रहे हैं ट्रेन निकल रही है, इसके ऊपर पुल था पहले। लाखों की तादाद में जनता है यहाँ पे, लोगों का आवाजाही है, लाख आदमी का आना जाना था इस पुल से, बाजार के लोग भी आते थे। ठीक है, मनसा देवी बाईपास को भी जोड़ता है ये पुल, बहुत चीजों को जोड़ता है, यहाँ से हॉस्पिटल जाते हैं, यहाँ से गंगा जी जाते हैं, जब मेला खेला होता है सब पर्सन जाते हैं, बेचारी बेचारी माता बहनों से यहाँ से निकलती है। ये पुल बंद करने से कई हादसों का वो हो रहा है, लोग पर्सन जा रही बेचारी लेडीज से, बुढ़िया बुढ़िया देखो कैसे आ रही है गली से, दो तीन हादसे हो चुके हैं, दो तीन मौत हो चुकी है ट्रेन से, जाते हैं कोई फिक्र नहीं रेलवे प्रशासन को इसके विषय में। आप देख रहे हैं ये ट्रेन जा रही है, यहाँ पे कोई पुल यहाँ पर नहीं है। मैं उत्तराखंड सरकार से हेलो दोस्तों, यहाँ पे 5-6 साल पहले एक पुल हुआ करता था रेलवे लाइन पे, यहाँ पे मनसा देवी मंदिर है, मनसा देवी मंदिर के पास ये पुल हुआ करता था, यहाँ पे मनसा देवी मंदिर नहीं, ये मनसा देवी बाईपास मंदिर है, मनसा देवी बाईपास मंदिर है जो यहाँ पे पुल हुआ करता था पहले, ये टूट चुका है, ये पुल बनाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि काफी सारे यहाँ पे मतलब यात्रीगण आते हैं, उनका एक्सीडेंट हो जाता है काफी। और अब ये लोकल आदमी भी हम लोग गुजरते हैं, मौत हो चुकी है जी, दो लोगों की मौत हो चुकी है, यहाँ के जो लोकल यहाँ के निवासी है, 500 मीटर में यहाँ पे जो है देखो, यहाँ पे रेलवे स्टेशन है, यहाँ पे जो बच्चे गुजरते हैं, यहाँ पे दो बार ट्रेन से हादसा हो चुका है जी जी हाँ, दो जने रेलवे को सूचना भी दी हमने, एप्लीकेशन भी लिख के दी है, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे जी। 500 की बस्तियाँ, 50 लाख आदमी का आना जाना होता है लोकल आदमियों का, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से बच्चे छोटे छोटे गुजरते हैं, कोई चिंता नहीं रेलवे प्रशासन को जी। दो मौतें भी हो चुकी हैं प्रशासन को, हमने सूचना दी है कि हम ये उखाड़ रहे हैं, नया लगाएंगे जी, झूठ बोल रहा है। 3 साल हो गए, पुल का था पता नहीं है, लोग जान जोखिम में डाल के निकल रहे हैं। ब्रह्मपुरी देखो, ये मोहल्ले दिखा दो, 500 घर की ब्रह्मपुरी, यहाँ पे काफी सारे देखो, यहाँ से देखो कैसे बच्चे उतर रहे हैं, ये बच्चे यहाँ आते जाते रहते हैं, खेलते रहते हैं, काफी इनका कहीं भी इनका एक्सीडेंट हो सकता है कभी भी, और काफी लोगों का एक्सीडेंट हो चुका है। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे कोई पुल नहीं है, यहाँ पे दो रेलवे लाइन निकली हुई है, लेकिन कोई भी यहाँ पे पुल नहीं है। यहाँ पे आप देख रहे हैं लोकल लोगों का, ये लोकल लोगों का कहना है, ट्रेन आने वाली हो रही है इसलिए खड़े हैं वो सब जी, ट्रेन ये ट्रेन आ रही है, यहाँ पे कोई पुल नहीं है, काफी सारे हादसे हो जाते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं बहुत सारे यहाँ निकलते गुजरते रहते हैं। कभी कह देता है मुरादाबाद होगा जी, कभी वहाँ, इससे बहाना ये करता है, इसलिए यहाँ का जनता जो है ये ले लिया है कि इसको बना के रखेगा यहाँ का जनता, तो अगर ये नहीं बनागा तो कम से कम 5-6 साल आप लोग बैठ जाइए ना, यहाँ पे रेलवे पे थोड़ा निकल रही ना, यहाँ आप लोग बैठ सकते हो, यहाँ पे 10,000 पब्लिक है, पब्लिक बहुत परेशान है, यहाँ अगर आप नहीं रेलवे वाले सुने यहाँ पर रखा जाएगा, 500 ये मेरा काम है, लेकिन सर्दी के 2 महीने में बैठे ये बाजार से रास्ता है, यहाँ पे ये रास्ता बंद, देखो बंद रखा है, यहाँ पे मार्केट जा रहा है, हॉस्पिटल ये गंगा जी से मार्केट निकला हुआ रास्ता, हॉस्पिटल का भी ये रास्ता है जी, ये भी हॉस्पिटल का रास्ता है, ये स्कूल भी जाते हैं बच्चे, यहाँ स्कूल जा रहे हैं, देखो बच्चे यहाँ से।